बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जरताज। व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में मांडा पट्टी बनाएंगे। इसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। इसको समोसे, रोल्स और बहुत सारे पैटी वगैरह बनाने में, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं अब तो, उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। इवन हमारा जो फ्रूट चाट है, बच्चे जो खाते हैं चना चाट, फ्रूट चाट, उस पर पापड़ी डाल के बच्चे खाते हैं, इसी को फ्राई करके वो पापड़ी तैयार की जाती है। तो मैंने सोचा आज आपसे मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। इसको बनाना बहुत आसान है और बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से ये तैयार हो जाती है। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करें, उससे आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप इनको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। व्यूअर्स, इसमें मैंने सबसे पहले ये 250 ग्राम्स है, एक पाव के करीब हमने मैदा लिया। इसमें मैंने आधा चाय का चम्मच मैं इसमें नमक ऐड करने लगी हूँ। ये नमक ऐड करने के बाद मैं इसको पानी से गूंदूंगी। सिर्फ तीन चीज़ों से ये डो गूंदी जाती है और पानी इसमें बहुत कम यूज़ किया जाता है। पानी इसमें हाथ रोक रोक के पानी का यूज़ करना है, क्योंकि ये डो आम घर पे जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसी डो नहीं गूंदी जाएगी, उसकी नस्बत थोड़ी ये डो सख्त होती है। थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें मिलाते जाएं और अपनी डो को गूंदते जाएं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप शुरू में यही क्वांटिटी लें जिस तरह से मैंने कम बताई है। आप ये बिगनर्स के लिए एक्चुअली मैंने बताया है कि इनको कम गूंदें। हम तो ज़्यादा भी घरों पे बना लेते हैं स्टो को, लेकिन बिगनर्स के लिए मैंने सोचा कि जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है स्मॉल क्वांटिटी को हैंडल करना। बस इसी तरह से इसकी डो को गूंदना है। हमें इसकी सख्त डो तैयार करनी है, नरम बिल्कुल नहीं करनी। तकरीबन मेरे पास आधे कप के करीब पानी था। एक पाव आटे में हम आधा कप पानी लेंगे। एक पाव यानी कि मेरे पास दो कप के करीब आटा था, ये मैदा था, और उसमें मैंने आधा कप पानी डाला है। बस ये देखिए, दो टेबलस्पून मैंने एक्स्ट्रा पानी रखा हुआ था, वो मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डालना पड़ जाता है, वो आटे की भी कई किस्में होती हैं तो उस हिसाब से फिर एक या दो टेबलस्पून हमें ऊपर डालना पड़ता है, लेकिन मुझे इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने इसमें आधा कप ही पानी यूज़ किया है। जी व्यूवर्स, मैंने अपनी डो को यहाँ ट्रांसफ़र करने से पहले इस सरफेस को अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था। ये देखिए, अब इसको आपने इस तरह से हाथों से अच्छी तरह इसको गूंदना है। जितना आप इसको गूंदेंगे उसकी डो का रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। डो कोई भी हो, चाहे आपने घर के लिए गूंदनी हो, घर पे आम रोटियों के लिए आटा गूंदना हो, पराठे बनाने हो, कोई भी आप आटा गूंदें, उसको अगर आप अच्छे तरीके से गूंदेंगे तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। इसलिए डो को आप टाइम दिया करें। एक तो रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, दूसरा उसको भूनने में टाइम लगाना चाहिए। जी व्यूवर्स, हमारी स्मूथ सी डो रेडी है। 25 से 30 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया तो ये बहुत अच्छी सी मेरी डो रेडी है। देखिए, मैंने इसमें ना कोई ग्रीस ऐड किया है, यानी कि कोई बटर या कोई ऑयल, कुछ भी ऑयल नहीं किया, ना घी लगाया इसको, लेकिन उसके बावजूद भी देखें हाथों से ये चिपक नहीं रही। मुझे ऐसी ही डो चाहिए थी। अब मेरी ये डो रेडी है, इसको मैं ये रोल आउट करूंगी।
लंबाई में रोल करने के बाद इसको मैं हाफ करूंगी और इसके मैंने 8 पेड़े बनाने हैं। इसके मैंने 8 पेड़े बना लेने हैं बराबर बराबर साइज के। छोटा बड़ा अगर हो जाए तो वो आप इस तरह से आप अपने अंदाजे से उसमें आप जो छोटा लगे उसमें आप थोड़ा सा आटा ऐड करके उसको बैलेंस कर लें। इस तरह से आपने 8 पेड़े आप तैयार कर लें। जी व्यूअर्स, मैंने ये इक्वल साइज की 8 बॉल्स बना ली है। अब थोड़ी सी एफिशिएंसी दिखाते हुए इनकी रोटियां बेल लेते हैं। जी व्यूअर्स, मैंने रोटियां तमाम अपनी बेल ली। उसके बाद अब हम इनको लेयरिंग करेंगे। इसको सबसे पहले जो एक रोटी जो बेली है उसको मैंने रखा और उस पर मैंने घी लगाया। घी अच्छे तरीके से स्प्रेड करना है पूरी रोटी पर इवनली, खासतौर पर किनारों पर, क्योंकि बाद में जब हम इनको सेपरेट करेंगे तो फिर वो आसानी से सेपरेट हो जाएगा। एक एक लेयर हमारी सेपरेट हो जाएगी। इस तरह से हमने घी लगाया, उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल किया अपनी नेक्स्ट रोटी के ऊपर, यूं रख दी। अगर थोड़ा साइज छोटा बड़ा है तो उसको आप इस तरह से स्ट्रेच करके बराबर कर लें। फिर घी लगाया, किनारों पे अच्छे तरीके से लगाइएगा। ये देखिए इस तरह से लगाया, अपनी अगली रोटी रख दी। अगर साइज को छोटा बड़ा है कोई इशू नहीं, आप उसको स्ट्रेच करें और इस तरह से बराबर कर लें। ठीक है, यूं आपने इस तरह से इसको बैलेंस कर लिया। अब फिर हमने इसके ऊपर घी लगाया, किनारों पे आप अच्छे तरीके से लगाइएगा। तमाम रोटी पे हमने घी इवनली स्प्रेड कर दिया। ठीक है, फिर हमने इसके ऊपर मैदा छिड़क दिया। ये हमने चौथी रोटी इसके ऊपर, इसके ऊपर मैदा छिड़क के आप इसको बेल लेंगे। थोड़ा सा हाथ से यूं दबाएंगे, दूसरी साइड पलट ली। इसको भी चेक कर लिया किनारे बराबर हैं, अगर नहीं बराबर तो उनको इक्वल कर लेंगे। हाथ से थोड़ा सा यूं दबाएंगे, फिर थोड़ा सा मैदा छिड़क लें। अब इसको हम बेल लेंगे, बिल्कुल जैसे हम घर की रोटी बनाते हैं उसी साइज की हम रोटी बेल लेंगे। और इस तरह से ही अपनी दूसरी रोटी भी हम तैयार कर लेंगे। ये जब हम तवे पे लेके जाएंगे इसको तो ये थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है, इसलिए कोशिश करें कि इसको यहीं पे जितना आप फैला सकते हैं उसको फैला लें। बस अब ये हमारी तकरीबन तवे के साइज की रोटी बन गई है। इसी तरह हम अपनी दूसरी भी रेडी कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसको किस तरह तैयार करते हैं मैं बताती हूँ। जी व्यूअर्स, हमने अपनी तमाम दोनों रोटियों को इस तरह से बेल लिया। अब इसको मैं तवे पे डाल दूंगी। तवे को मैंने हल्की आंच पे गर्म किया था, ये देखिए। इसको पकाने की अभी एक्चुअली हमने इसको पकाना नहीं है, इसको हमें सिर्फ फर्म करना है 25 से 30 सेकेंड एक साइड पे और 25 से 30 सेकेंड दूसरी साइड पे। ये जब फर्म हो जाएगी तो इसको पलट लेना है और समझें कि आपकी ये वो तैयार है समोसा पट्टी। आप अगर आपने यहाँ पर इसको धीमी आंच पे नहीं पकाया, आंच तेज रखी, तो वो नीचे वाली लेयर जो है वो जल जाएगी, जिसकी वजह से वो अंदर वाली जो लेयर्स हैं वो आपकी कच्ची रह जाएंगी और फिर ख़राब हो जाएगी आपकी पट्टी।
आपने बिल्कुल पेशेंस से काम लेते हुए इसको धीमी आंच पर बनाना है। ये देखिए ये हो रही है बिल्कुल हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे आपने इसको पकाना है। ये देखिए व्यूज, इस तरह से हमारी पट्टी रेडी हो गई है। इसको आप अलग कर लें और जैसे चाहें आप इसको अब आप यूज़ करें। जी व्यूवर्स, हमारी मांडा पट्टी रेडी है। अब इसकी कटिंग करनी है, उसके लिए हम कोई भी स्केल ले लीजिएगा या कोई भी इस तरह से आप किसी चीज़ की हेल्प लेके, ये देखिए इस तरह से आप इसको इक्वली यहाँ से कट कर लें। ये जो आपके एजेस बचेंगे ये वेस्ट नहीं जाएंगे, इसको जब भी आप समोसे या रोल वगैरह फ्राई कर रहे हों तो उनके साथ आप इनको फ्राई करें और ये हमारी जो चाट के ऊपर पापड़ी डालते हैं वो रेडी हो जाएगी। और इस तरह से हम अपने बैलेंस करके इस तरह से कोई भी स्केल ले लें, उससे आप निशान डाल लें और उसके साथ आप रखते हुए आप इस तरह से अपनी समोसा पट्टी काट लें। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी आप ये पट्टियाँ तैयार हैं। इनको आप जिस तरह चाहें यूज़ करें, आप ज़िप्लॉक बैग में इसको फ्रीज़र में रख दें और ये 2 से 3 माह के लिए आप इसको फ्रीज करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक रहती हैं, ख़राब नहीं होती। जब दिल चाहें निकालें, इसमें कोई भी फिलिंग करें और उसे आप इंजॉय करें। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।